साथियों नमस्कार। साथियों यदि आप फिनो पेमेंट बैंक के बारे में कुछ जानकारी करना चाहते हैं या फिनो पेमेंट बैंक की मर्चेंट आईडी आप चलाते हैं और चाहते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का एक सुनहरा मौका है। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए पैसा तो कम लग रहा है लेकिन कमीशन क्या मिल रहा है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप कमीशन नहीं जानेंगे और आप काम करना अगर स्टार्ट कर दिए और आपके हिसाब से कमीशन नहीं मिला तो आप काम बीच में छोड़ देंगे, जिससे दो लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एक तो जो आपके मित्र हैं जिनको आपने CSP दिया, आपके काम बंद करने की वजह से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। दूसरी कंपनी के टारगेट में आपका नाम जुड़ा होता है, कंपनी में होता है कि इस कंपनी के पास इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन उनका जो है कोई भी काम न होने से कंपनी के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है कि कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो साथियों जब भी आपको फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटर बनना हो आपको या आपके किसी मित्र को, तो हमारे आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हालांकि मैं फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी देता हूँ और मर्चेंट आईडी भी देता हूँ, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि मैंने जितने भी लोगों को बनाया हुआ है सभी लोग अच्छी तरह सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है कमीशन कम पा रहे हैं, उनको कह रहा है कि कमीशन कम मिलता है, इसलिए जो है अब उनको काम करने में परेशानी हो रही है। तो क्या कमीशन मिलता है इसके बारे में पूरा आपको विस्तार से बता रहा हूँ। आप हमारे इस पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको जानकारी हो सके कि क्या कमीशन आपको मिलता है। सबसे पहले तो आप देख लें कि जब सबसे पहला काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ एक चार्ट के माध्यम से जो मैंने बनाया हुआ है। ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है देखिए मैंने यहाँ पर जो है आपको एक लाइट किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो कॉलम है ये पूरा आपको क्या मिलता है इसके बारे में पूरी जानकारी आपको लास्ट तक होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बनाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा अन्य और कोई भी लोग अगर जानते हैं तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी या उनका ज्ञान अधूरा होगा। इसमें देखिए आपको सबसे पहला काम होता है कि आप आईडी बनाना यानी मर्चेंट बनाना। तो सबसे पहला जो है अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग जो है आईडी बनाने के रेट होते हैं, यानी ये जान लें कि CSV आईडी जो बनती है अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग स्टेटों के जो है अलग अलग चार्ज होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ मौजूदा भी ये UP ईस्ट का है। वन टाइम ऑनबोर्डिंग फीस यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, माइक्रो ATM के साथ है या बिना उसके साथ, दो चीज़ों में बता रहा हूँ। वन टाइम ऑनबोर्डिंग फीस बिना माइक्रो ATM के आपको 1500 रुपया प्लस इंक्लूड GST के साथ जो है आपको ऑनबोर्डिंग करनी है। जो भी ऑनबोर्डिंग आप 1500 से करेंगे उसमें आपको 300 रुपया कमीशन मिलेगा। वहीं 3 के मॉडल जो होता है जिसमें आपको एक माइक्रो ATM भी मिलता है और आपको जो है एक BT डिवाइस भी मिलती है। मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है माइक्रो ATM, क्या है BT डिवाइस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि जो आपका ये प्लान मैंने आपको बता रहा था कि जो प्लान देखिए 35,000 रुपया का है, इस प्लान में आपको क्या क्या मिल रहा है इसको जान लीजिए। तो वहाँ पर आपको जो है ये एक डिवाइस मिलेगी, डिवाइस ये एक डिवाइस मिलेगी आपको। इसमें आपको जो है अंगूठा लगाएंगे, आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा और आपको यहाँ से जो है प्रिंट आउट भी होगा। इसके साथ में आपको ये भी डिवाइस मिलेगी जो माइक्रो ATM है, जो कि सिनयार्ड का है, लेकिन अब ये पैक्स की डिवाइस मिल रही है। पैक्स की डिवाइस देखिए ये वाली है। अब जिनके पास ओल्ड मॉडल होगा ये सिनयार्ड की होगी और अब जो है पैक्स की डिवाइस उनको मिल रही है। तो ये आपको मिलेगी जो है 35,000 रुपये में। वहीं अगर आप किसी को आईडी बनाते हैं 36,000 में, सारे मित्रों वहीं आईडी अगर आप बनाते हैं 61,000 में, तो 61,000 में क्या क्या मिलेगा आपको इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 61,000 वाला प्लान के लिए जो है सब कुछ आपको सेम वही मिलते हैं, लेकिन जो है मर्चेंट को आप उनको
ये वाली डिवाइस यहाँ पर मिल जाती है। ये जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वाली डिवाइस इनको मिलती है, जिसका मार्केट में कीमत लगभग 25,000 रुपये के लगभग होती है। इस डिवाइस में आप सारा काम कर सकते हैं, पैसा निकासी कर सकते हैं, आधार से भी, एटीएम से भी, और प्रिंट आउट भी होगा। इसमें मोबाइल की तरह एक टैब भी लगा होता है, जिससे आप जो सारा काम करेंगे। साथ में आपके सेंटर की इसमें ब्रांडिंग भी होती है, जिससे सेंटर आपका खूबसूरत लगता है और कस्टमर आपके यहाँ बढ़ते हैं। तो ये मर्चेंट, ये मॉडल हो गए। इस मॉडल में जो है आप देखिए 59,000 का मॉडल अगर आप किसी को देते हैं तो क्या कमीशन मिलता है, 59,000 वाले में आपको 3,000 कमीशन मिलता है, वहीं 35,000 वाले में आपको 1,500 कमीशन मिलता है। इसके अलावा साथियों जो है मैंने बताया, इसके बाद मैं बता रहा हूँ DVR ऑनबोर्डिंग ID कितने कितने की बनती है डिस्ट्रीब्यूटर की। तो ये जान लें, पहली बार समझ लें कि डिस्ट्रीब्यूटर की ID 10,000 से, 15,000 से और 25,000 से, तीन मॉडलों में अभी ID बन रही है। लेकिन ये ID अभी 2500 और 1500 की ID जो है अभी नहीं बनाई जा रही है, 10,000 वाली ID सबसे ज़्यादा अभी ये बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटर शेयर की, जो भी लोग माइक्रो ATM सेल करते हैं, बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद, अगर वह 59,000 वाली मशीन अगर बेचते हैं तो उनको 250 रुपया पर मशीन मिलती है। वहीं W पास यानी 25,000 वाली मशीन अगर वो बेचते हैं तो उनको 500 रुपया पर डिवाइस कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ रह गई, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन क्या क्या मिलता है, कितना मिलता है, ये सबसे माने रखने वाली चीज़ है। MATM यानी माइक्रो ATM से जो भी वो काम करते हैं उस पर कितना कमीशन मिलता है, इस चीज़ को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। माइक्रो ATM से जो और APS से, दोनों के कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए यहाँ पर सेम है, जो भी कमीशन मिल रहा है सेम कमीशन है, क्या मिलता है इसको समझिएगा। 0.02% से अधिकतम एक व्हील मनी 1 रुपया तक ही मिलेगा, इसमें से जो आपको कम होगा वही मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी निकासी 100 रुपये का करता है आपका मर्चेंट तो आपको 2 पैसा मिलेगा, कोई मर्चेंट अगर आपका 5,000 निकासी कर दिया तो अधिकतम आपको 1 रुपया मिलेगा, यानी जो कम होगा वो आपको मिलेगा। यानी 10,000 निकासी करता है तो भी आपको 1 रुपया ही मिलेगा, 1,000 की निकासी करता है तो आपको 20 पैसा मिलेगा। ये फिनो पेमेंट बैंक का स्कीम है, APS से और ATM से भी। इसके अलावा अगर हम बात करें अकाउंट ओपनिंग की, तो अकाउंट ओपनिंग पर उसे जो है 5 रुपया पर अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। कभी कभी स्कीम आ जाती है तो ये कमीशन 5 रुपया से बढ़ करके 12-15 रुपये तक हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, और मर्चेंट का भी कमीशन बढ़ जाता है। लेकिन अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर का ही कमीशन समझा रहा हूँ। इसके अलावा कैश डिपॉजिट पर 0.05% से लेकर के अधिकतम 8 रुपये तक का है, यहाँ पर भी अच्छा कमीशन आपको होता है, जो भी फिनो पेमेंट बैंक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा आपके लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इंश्योरेंस होते हैं उस पर जो है, जो खासपी कैश का जो 600 रुपये का प्लान में है उसमें आपको 5 रुपया मिलता है, जो 35,000 वाले प्लान होते हैं उसमें 20 रुपये मिलता है, जो 49,000 मिलते हैं उसमें आपको 28 रुपये मिलता है। यानी जो भी वह लोग जो है इंश्योरेंस करते हैं उस पर भी आपको कमीशन मिलता है। साथ साथ में आप यहाँ देख सकते हैं कि 2-व्हीलर और 4-व्हीलर इंश्योरेंस पर भी आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। यानी बहुत अच्छा कमीशन का मतलब हो गया कि अगर 2-व्हीलर में जो ODI अमाउंट होती है उसका आपको 1% मिलता है, जो बहुत मायने रखता है 1% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो जितना ज़्यादा आपके लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करेंगे उतना अच्छा आपको इनकम यहाँ पर गाड़ी इंश्योरेंस में भी मिलेगा। इसके अलावा बिल पेमेंट में अगर बात करें तो 2 रुपया से लेकर 2.5 रुपया तक आपको मिलता है 1,000 तक के बिल जमा करने पर, 1,000 से 2,000 तक 9 रुपया। नसारी मित्रों, मर्चेंट का है, डिस्ट्रीब्यूटर का प्लान यहाँ पर है, मैंने दिखाया नहीं। 1,000 तक का जमा करने पर कोई आपको कमीशन नहीं है, 1,000 से 2,000 तक जमा करते हैं तो 50 पैसा, 2,000 से अधिक अगर जमा करते हैं सारी तो अगर वह 1,000 जमा करते हैं तो 50 पैसा, 1,000 से 2,000 करते हैं तो 1 रुपया, और 2,000 से अधिक भी करते हैं तो भी आपको 1 रुपया ही कमीशन मिलता है। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल पर,
जो बहुत अच्छा कमीशन यह भी है। इसके अलावा आपके बहुत सारे लोग जो है जो पैसा डिपॉजिट करने लिए आते हैं, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां हैं जो गांव में समूह लोन वगैरह करती हैं, उन पर बहुत अच्छा कमीशन आपको यहां पर मिलता है। तो साथियों, ये चार्ट को आप जो है हमसे मांग भी सकते हैं और आप यहां से भी समझ सकते हैं कि क्या आपको कमीशन मिल रहा है। इसके अलावा अन्य और सारे भी प्रोडक्ट हैं जिसको मैंने यहाँ पर आपको लाइव नहीं करके दिखा पाया, आप उसके बारे में पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि जहाँ जहाँ से आपको कमीशन मिलने के मौके हैं। लेकिन साथियों, सारे कमीशन मिलने के बावजूद भी आपको लगता है कि मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा कमीशन कम है, तो आप फिनो पेमेंट बैंक का डिस्ट्रीब्यूटरशिप ना लें तो बेहतर है, क्योंकि काम अगर नहीं करेंगे तो कमीशन आपको नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जैसे आपको फिनो पेमेंट बैंक से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। साथियों, इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको मर्चेंट को क्या मिलता है इसके बारे में पूरा मैं आपको विस्तार से बताऊँगा कि मर्चेंट को कितना कमीशन किस किस स्कीम में उनको मिलता है। ये मर्चेंट का जो चार्ट है इसके बारे में पूरा मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊँगा। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।